देखिए, मैं राम भद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों के को अपमानित करने काम करेगा, उनके लिए अपशब्द कहेगा, उनको अपमानजनक रवैये से जो है हमारी भावनाओं का आहत करेगा, तो उससे हम कानूनी रूप से निपटना जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि मरे मुलायम काशीराम, काशीराम और मुलायम सिंह जी हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए पिता के समान है। कोई हमारे पिता को अपमानित करेगा, बुरा भला कहेगा, तो हमसे उम्मीद ना करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे, और हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अभी उनको समझाया है, बहुत जल्द मैं उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी बहुजन महापुरुष का अपमान है। उन्होंने एक और शब्द कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार, जो राम को भजता है वो उत्तम, जो चाम को भजता है वो नीच। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अब तक इतने उन्होंने सत्संग किए हैं, उन्होंने कितने चमारों को ब्राह्मण बनाने का काम किया है वो ये भी बताएं। इतने उन्होंने जो हैं सत्संग किए हैं, कितने जो हैं ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने सत्संग के जरिए ब्राह्मण बना दिया। मैं ये समझता हूँ लंबे सदियों से हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, अब भारत में हम लोग नीचा नहीं सहना चाहते। भारत का संविधान इस बात की आज़ादी नहीं देता, ये क्राइम है, और क्राइम करने वाले व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अगर आज उसको कोई ताकत से बचाने का काम करेगा तो कल जब हम ताकत में होंगे तब उनको सज़ा मिलेगी। क्या वो अपने अंदर सुधार कर लें? अगर वो जल्द से जल्द अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते तो मुकदमा दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल में जाने का काम करें। आजाद समाज पार्टी कहते हैं कितनी सीटों पर चुनाव, मैंने कहा उसी के लिए ये एक तरह की समीक्षा चल रही है, और बहुत जल्द पार्टी कोर कमेटी बैठ के, उत्तर प्रदेश कमेटी बैठ के इसका डिसीजन करेगी कि हम किन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।